अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ मी मुकद्दस हैदर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे आज की जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आ रहे थे कि अभी आप आई पी एल डिवाइस यूज़ करी हैं सिंस टू थाउजेंड ट्वेंटी आई गेस और अभी आपका फाइनल जो रिव्यू है प्लीज़ वो हमें दे दें कि दो सालों में यूज़ करने के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिले सो so, uh, मैंने सोचा कि अच्छी चीज है एक चलो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कलों तक अगर मैंने ये यूज़ किया है तो मुझे क्या इसके रिजल्ट मिले हैं क्या मैं अभी भी रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को या मैं कहूँगी कि नहीं भाई पैसे वेस्ट ना करो तो ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का अभी हैंडल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे तो मज़ीद आपको वेट नहीं कराते चले जी वीडियो स्टार्ट करते हैं अच्छा जी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी दफ़ा बताया है कि मैंने क्यों आई पी एल परचेज़ किया था और आईपीएल पी परचेज करने से पहले मैं डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने कितने सेशन लिए वो सारा कुछ जानने के लिए ना आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेंगी अदरवाइज ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है कहाँ से मैंने परचेज किया कितने का परचेज किया इन सब पे मैंने ना एक रिव्यू दिया हुआ है और मेरी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उनका मैं सबका कोशिश करूंगी कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर जाकर सर्च करोगे ना आई के नाम से भी मेरी वीडियोज़ है वो सामने आ जाएंगी आप लोग मुझसे पूछते हैं ना मैंने उसके ऊपर भी वीडियो एक सेपरेट बनाई हुई है ठीक है तो वो आप वीडियोज लाजमी देख के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है अगर तो वो क्लियर हो जाए ठीक है इस डिवाइस को यूज करने के ना कुछ प्रिकॉशन भी हैं वो भी मैंने सारे वीडियोज में डिस्कस किए मैं एक दफा आप वो लाजमी देख लेना क्योंकि आप ऐसे ही नहीं कि बस आपने परचेस किया परचेज करके यूज करना शुरू कर दो नो आपको कंप्लीटली इसकी पहले एक गाइड लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप इसको रॉन्ग वे में यूज करते हो तो ये आपकी स्किन के लिए फिर नुकसानदे भी हो सकती है ठीक है इसलिए सारी वीडियोस का मैं कोशिश करूंगी लिंक डाल दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बट मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने की कहती तो हूँ कि मैं डाल दूंगी बाद में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कि यार मैं तो लिंक्स डाल नहीं है फिर किसी का मैसेज आता है किसी का फिर कमेंट आता है आप ही लिंक इधर है तो फिर मैं दोबारा वहाँ पर लिंक डाल रही होती हूँ ठीक है सो अगर नहीं होता इनकेस लेकिन मैं पूरी 100% परसेंट कोशिश करूंगी अगर नहीं होता तो आप जस्ट आईपीएल लिखिएगा मेरे सर्च करिएगा चैनल पे जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी ठीक है तो ये परचेज करने से पहले इसको यूज करने से पहले मेरी सारी वीडियोस वीडियोज एक डिवाइस ये वाली जो है ये पहली मेरी परचेज थी ये मैंने कहा से मंगवाई इसका लिंक भी डाल दूंगी और आप देख लेना इसके अलावा ये मैंने कहा से मंगवाई ये मैं दराज से मंगवाई थी इसके बाद बट अभी दराज पे ये अवेलेबल नहीं है आउट ऑफ स्टॉक हो गई हुई है आई गेस को दराज से अब नहीं मिलेगी सो so, मैंने ये वाली जो मंगवाई डिवाइसेस uh, मैंने ये भी यूज की है ये भी यूज की है अभी फाइनली जो है आपको मैं बताऊंगी मैंने इसको यूज किया है तो दो साल यूज करने के बाद क्या मैं इसको रिकमेंड करती हूं या नहीं कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी अभी तक के जो आपके बालों को परमानेंटली परमानेंटली रिमूव कर दे आपकी स्किन से ठीक है अगर कोई बंदा क्लेम करता ना कि 100% आपके हेयर रिमूवल होगा दोबारा बाल वापस नहीं आएंगे तो वो बंदा लाजमी झूठ बोल रहा होगा ठीक है क्योंकि आईपीएल ले लो आप बेशक आप डॉक्टर से जाके सेशन करवा लो परमानेंट हेयर मूवल के तौर पे काम नहीं करेगा ठीक है होता यह है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता बालों पे, जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेजर करते हो चाहे आप डॉक्टर के थ्रू करवा रहे हो चाहे आप आईपीएल के थ्रू कर रहे हो बालों की जो ग्रोथ होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है क्योंकि ये क्या करता है ये बेसिकली आपके बालों को जलाता है उसकी रूट्स पे हिट करता है रूट्स को जाके जलाता है ठीक है तो जब रूट्स को जलाता है तो रूट्स जो है ना वो अगली दफा जब बाल आते हैं तो थोड़े से वीक आते हैं आप इसको अगेन जलाओगे अगेन वो आएंगे लेकिन वीक आएंगे ठीक है और फिर होता क्या है एट द एंड आपके बाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ जो बाल है वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं लेकिन कुछ होते हैं ढीट फिर भी, भी आ जाते हैं ठीक है सो so, इस तरह से ये वर्क करता है अच्छा मैंने अभी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे आ, अपने आप को भी थोड़ा सा मुझे सेटिफाई करना था ना कि यार मैं अगर आई पी एल यूज़ करी उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा प्रीवियस वीडियोज में आप लोगों को बताया था जब मैं रेगुलरली इसको यूज़ करी थी कि एक टाइम ऐसा आया था देखो जब आप इसको फ्लैश करते हैं ना इस तरह से तो काफ़ी सारे पार्ट्स जो है ना वो आपके मिस हो जाते हैं जिसपे आई पी एल जो है वो अच्छे से नहीं होता तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि कुछ बाल जो है उसके ऊपर ये डायरेक्ट काम ही ना किया वहां से मैंने ऐसे स्किप करके आगे कर दियो हो so सो जब भी बाल आपके आते हैं ना तो पैचेस के साथ आते हैं पैचेस के साथ मतलब हो सकता है यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए यहाँ से आपके थोड़े थोड़े से आ रहे हों सो so मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब बाल मेरे थे वो काफ़ी सारे पैचेस के साथ आना शुरू हो गए थे और मुझे वहाँ पर आइडिया हो गया था कि यहाँ पर मैं लेज़र नहीं कर रही हूँ नेक्स्ट टाइम मैं जब लेज़र करती थी तो वहाँ पर मैं फोकस करती थी कि यहाँ पर मजीद हो अच्छा ये बात हो गई कि मतलब पैचेस के साथ आएंगे दूसरी चीज क्या है कि आपके बाल जो है वीक हो जाएंगे अच्छा एक और चीज होती है कि बाल आपके इतने वीक हो जाते हैं आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जो बाल अगर निकल के आ भी रहे ना आप उसको अगर हाथ से सब पकड़ के खींचोगे ना तो विदाउट एनी पेन वो आपके बाल जो है ना आपकी स्किन से निकल जाएगा वो इतने वो क्या कहते हैं डेड किस्म के बाल निकलते हैं अब मैंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया कि मैंने लेग्स को ना किया दो पार्ट्स में आई I मीन mean, मैंने काटा नहीं डिवाइड वैसे कीकल से लेके मिड ऑफ माय लेग मैंने वहाँ पे लेज़र पहले स्टार्ट में किया और रेगुलर बेसिस पे किया जैसे हफ्ते में एक दफ़ा पहले रेकमेंड किया फिर मैंने हफ्ते में दो दफ़ा आई गेस किया फिर हफ्ते में एक दफ़ा हो गया फिर उसके बाद फिफ्टीन डेज के बाद हो गया एंड इट टुक ऑलमोस्ट थ्री टू फोर मंथ्स इस तरह मैंने इसको किया और इसके बाद मुझे ये लगा कि मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं और बाल जो है वो अच्छे हाथ गैप्स के साथ आना शुरू हो गए थे हाफ लेग के ऊपर फिर मैंने क्या कि यह मजीद जो ऊपर वाली लेग है ना उसको भी मैंने बीच में ऐड कर लिया यानी कि कंप्लीट कंप्लीट लेग के ऊपर मत भी मैं, मैं आईपीएल करती थी पूरी लेग के ऊपर करती थी नीच से नीचे नीचे तक ठीक ये वाला हिस्सा था टांग का उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी तीन चार महीने कर चुकी हुई थी वाला जो हिस्सा था नीच से यानी कि नीचे नीचे तक आई होप कि मैं आपको सही समझा पा रही हूँ मैं बहुत बोंगी हूँ इस चीज में अच्छा है उसको मैंने डेफिनेटली तीन से चार महीनों के बाद किया यानी आधी टांग के ऊपर चार महीने ठीक है और जब अगली टांग के ऊपर चार महीने हुए तो नीचे वाली जो टांग थी डेफिनेटली आठ महीने हो गए थे ऑलमोस्ट यानी आठ महीने से मैं रेगुलर कर रही थी आठ महीनों के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला नीचे वाला पार्ट था लेग का उस उसपे कंप्लीटली बाल खत्म हो गए थे आना ही खत्म हो गए थे अदरवाइज आपको पता है जब आप वैक्स करते हो बाल जड़ से निकल तो जाते हैं लेकिन जब वो उनके ना पोर्स के अंदर से ब्लैक ब्लैक सा समाइम्स नजर आता है कि यार यहाँ पे बाल है इनकी रूट्स हैं आइडिया हो जाता है बट लेजर से वो जो मेरी हाफ लेग थी वहाँ पे कोई इस तरह के निशान नहीं है अभी और वहाँ पे अभी भी एक भी बाल नहीं है मैंने उस वाले पार्ट को लेज़र किए मुझे मेरा ख्याल है कि तीन से चार महीने हो गए हैं और तीन से चार महीने तक मैंने फेस के ऊपर बिल्कुल भी लेज़र नहीं किया इसके अलावा मैंने कोई लेग्स पे नहीं किया हाथों बाजुओं पे मैंने नहीं किया ठीक है लेज़र क्योंकि काफ़ी सारी कुछ रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई थी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही थी सो अभी जो मैं आपको बताऊं कि मैं तीन से चार महीने बल्कि इससे शायद ज़्यादा ही हो गया और तो हाफ लेग है उस पर अभी भी बाल नहीं आया ठीक है जहां तक बाजुओं की बात है बाजुओं पे मैं इतना रेगुलर नहीं करती थी लेग्स पे मैं ज्यादा रेगुलर करती थी तो बाजुओं पे जो है जब मैंने जब छोड़ा है ना तो मेरे बाल जो है जिस तरह के पहले थे ना उसी तरह के हो गए थे क्योंकि मैंने बाजुओं पे मेरा ख्याल है इतना नहीं किया जितने मैंने लेग्स पे किया था अच्छा अब बारी आ जाती है फेस के ऊपर फेस के ऊपर जब मैंने छोड़ा पहले तो वो पैचेस पैचेस में बाल आना शुरू हो गए थे ठीक है और कहीं पे बाल है कहीं पे नहीं है तो मैंने कहा बस ठीक है एक दफा मैंने उसको ट्रिम कर दिया ना बालों को फेस के ऊपर से कि यार इतने इतने से बाल हैं अब टाइम नहीं मिल रहा चलो ट्रिम कर देती हूँ ट्रिम करने के बाद जब वो बाल दोबारा आए तो काफी टाइम लगा एक तो और मेरा ख्याल है दो महीने के बाद या डेढ़ महीने के बाद ना बारीक बारीक से बाल दोबारा निकलना शुरू गए अभी मेरे फेस के ऊपर बाल है आपको भी मैं दिखा नहीं सकती यहाँ पे आपको और नज़र नहीं आएंगे बट जिस तरह के बाल मेरे पहले थे ना शुरू में जब मैंने ये लेज़र करवाना शुरू किया था तो उस टाइम पे ज्यादा ग्रोथ थी आप वैसे कर लो समझ लो कि जहां पे पहले दो बाल होते थे अब वहां पे एक है निकले हुए हैं फेस के ऊपर बट डेफिनेटली पतले हैं बाल और और अभी मुझे दोबारा करना पड़ेगा तो पहले बात बता रही थी ना वो यही है कि आप इसको अगर तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो रेगुलरली आप करते हो तो फिर डेफिनेटली आपको तीन से चार महीने के बाद गैप मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर मैं इतना करो जैसे मैंने तीन से चार महीने क्योंकि मैं इतनी रेगुलर पहले भी नहीं थी और तीन से चार महीने मैंने वैसे ही वार नहीं की तो मेरे बाल जो है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने पहले थे उसका फिफ्टी परसेंट आ गए लेकिन लेग्स पे जो मैंने आपको बताया वो फॉर एवर मेरा ख्याल है गॉन है लेकिन फॉर एवर तो डेफिनेटली नहीं है बट उस पर ज्यादा वो बिल्कुल भी बाल अभी तक नहीं आए अच्छा अभी मुझे क्या करना पड़ेगा अब मुझे दोबारा रेगुलर होना पड़ेगा जब मैं रेगुलर हो जाऊँगी चार से पांच महीने जो है वो मैं रेगुलरली करूंगी यानी वंस इन अ वीक भी मेरा ख्याल है अभी मैं करूँगी तो मेरा चल जाएगा आराम से मैं एक दफ़ा करूंगी एक महीना मैं इस तरह चलाऊंगी उसके बाद फीन डेज के बाद कर लूँगी फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जो मंथ होगा वो वंस इन अ मंथ कर लूँगी यानी कि तीन महीने मुझे लगेंगे फिर उसके बाद मैं अपनी स्किन की कंडीशन देखूंगी अपनी हेयर ग्रोथ की कंडीशन देखूँगी अब किस हिसाब से आ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं दो महीनों के बाद दोबारा करूं हो सकता है कि मुझे तीन महीने भी लग जाए ना हो बाल नहीं छुड़ा आपको लिहाजा खत्म करें नहीं जब वो कुछ अर्सा होगा गुजर जाएगा कुछ अर्सा उसके बाद दोबारा बाल आना शुरू हो जाएंगे सो तो आपको आप ऐसे समझ लो इसकी अडिक्शन हो जाती है आपकी स्किन को इसकी अडिक्शन हो जाती है आप इसको छोड़ नहीं सकते हो अलबत्ता आपके सेशन जो है वो कम हो जाते हैं जैसे स्टार्ट में महीने में चार लेने हैं आईपीएल से ठीक है डॉक्टर्स वाले मैं बात नहीं कर रही आईपीएल से जो है वह महीने में जैसे आपने चार सेशन लेने हैं फिर एक टाइम आता है कि आप महीने में एक करना शुरू हो जाते हो फिर एक टाइम आता है कि आप पांच छह महीनों के बाद एक दफा करते हो ठीक जब आप हंड्रेड रेगुलर हो गए फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको चार से पांच महीनों के बाद एक दफ़ा करना पड़ेगा या हो सकता है अगर आपके बाद ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर हो सकता है कि आपको पांच से छह महीने के बाद एक दफा बस टचअप्स की जरूरत पड़े ठीक है तो ये इस तरह से वर्क करता है स्टार्ट में आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है थोड़ा सा टाइम दोगे उसके बाद आप अपने स्किन को अपने बालों को खुद से देखोगे किस ग्रोथ से ये निकल रहे हैं और अभी मुझे किस तरह से चलाना है अगर मैं इतना करोगे ना कि भैया अब हो गए अब टाइम नहीं मिल रहा छोड़ दो यार चार से पाँच महीने हो गया आपने लेजनिंग किया तो डेफिनेटली जो बाल हैं पहले ही आप रेगुलर नहीं थे ऊपर से इतना गैप दे दिया तो बाल जो है वो फिर दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं सो तो ये आपको समझ ले लत लग गई है ठीक है आपने इसको लेना है और इसको फिर आपने अपने बालों की ग्रोथ के हिसाब से चलाना है लेकिन ये हंड्रेड परसेंट है कि आपके बालों की जो ग्रोथ है बहुत कम हो जाएगी बहुत इक्का दुक्का बाल आना शुरू हो जाएंगे पांच से छ अगर आपका वो वाला टाइम आ गया ना कि जिसमें पाँच से छः महीनों के बाद या चार से पांच महीनों के बाद आप एक दफा करते हो तो वो बहुत इक्का दुक्का से बाल होंगे ठीक है कहीं कहीं होंगे ऐसा नहीं होगा कि हर जगह पे होंगे ठीक है दो सालों के बाद भी मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ सिर्फ मेरी नलाइकी की वजह से क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ऐसा यूज़ नहीं किया तो मेरे बालों की ग्रोथ जो है वो अगेन स्टार्ट होगी है लेकिन अगेन वही बात करूंगी कि उतनी नहीं हुई जितनी मेरे स्टार्ट में होती थी ठीक तो है और सो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और सबसे बेस्ट चीज़ ये है इसमें कि आजकल जितनी महंगाई हो गई है ना तो हम लोग डॉक्टर्स के पास बार बार सेशन लेना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे बजट फ्रेंडली यही है एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है फॉर लाइफ है ठीक है और इसमें से इतने सेशन सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी टाइम जैसे मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैंने घर पर डिवाइस रखी हुई है तो मैं अपनी कोई केयर कर लूं और उसे लेजर कर लूं तो डॉक्टर के पास जाके सेशन करवाना तो मेरा ख्याल कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन था सो घर पर होने का फायदा ये है जब आपको टाइम मिले आप तब कर सकते हो अब ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कर लेंगे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज